ये well. ये है है. हमारा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं है. पहले ये old course में पूरा एक चैप्टर हुआ करता था अब ये चैप्टर फोर का पार्ट है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा लेंथी ऐसा है बट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा इजी भी है समझ में भी आ जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर फोर फोर पर इसके पहले 500, 501, 505, 510, 520, 550 और के टू हमने डिस्कस कर लिए लिए हैं वो वो आपने सारे ही वीडियोस देख होंगे तो चलिए अब समझते हैं ऑडिट पर पहले इंट्रोडक्शन दिया है इतना काम का नहीं है बट फटाफट एक बार नजर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नो कॉन्सियस एफर्ट इन सोसाइटीड इन ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड ऑडिटिंग इज नो एक्सेप्स There is growing realization that the traditional approach to audit is economically wasteful because all the efforts are directed to check all transactions without any exception. so traditional practice, traditionally जिस तरह से audit किया जाता था, उसमें सारे ही transactions, सारे ही balances, सब कुछ check किया जाता था। But उसमें जितने efforts डाले जाते थे, उतना हमें effective result नहीं मिल पाता था। इसीलिए अब ऑडिट सैंपल के बेसिस पर किया जाता है। जितने ट्रांजैक्शन है उसमें से सैंपल्स लिए जाते हैं और पूरे ही फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट में पूरे ही अकाउंट के ऊपर हम अपना सेटिस्फेक्शन लेते हैं और कंक्लूजन पर आते हैं और ओपिनियन देते हैं This invariably leads to more emphasis on routine checking, which often is not necessary in view of the time and the cost involved. पहले मतलब रूटीन चेकिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारे देखे जाते थे चेक किए जाते थे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था और कॉस्ट uh, क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा आर्टिकल्स या फिर ज्यादा स्टाफ को हायर करना पड़ता था तो वो

कंट्रोल्स अगर अच्छे होते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वहां पर एरर्स और फ्रॉड जो रूटीन नेचर के थे क्लेरिकल मिस्टेक्स होती थी वो कम हो गई है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल से वो किस लिए होते हैं ताकि प्रिवेंशन कर सके या फिर हम डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकते हैं कोई भी एरर या फिर फ्रॉड है तो

सेटिस्फेक्शन uh, ले सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बराबर होंगे और उसके लिए हम कम वाउचर्स देखेंगे कम ये रूटीन वाउचिंग करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा हमें जो ओपिनियन पर पहुंचना है वो हम पहुंच पाएंगे दैट्स द ऑडिटर ऑफन फाइंड्स एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग इज नथिंग मोर देन अ रिचुअल बिकॉज़ इट्स सेल्डम रिवील्स एनीथिंग मटेरियल अब जो ये रूटीन वाचिंग वेरिफिकेशन जो होता है वो जस्ट एक कस्टम है पहले से किया जाता है तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें से जनरली कुछ भी हमें मिलता नहीं है कोई भी मटीरियल में स्टेटमेंट हम नहीं ढूंढ पाते हैं <laughs> Now the approach toward it and the extent of checking are undergoing a progressive change in favor of more attention towards the question of the principles and controls with curtailment of non-consequential routine checking. इसीलिए बहुत ज़्यादातर principles कैसे, controls कैसे, वो देखा जाता है, जो non, <coughs> जो routine checking होता था, जिसमें ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता था, वो comparatively scrap किया गया है या फिर reduce किया गया है। ठीक, उसके लिए हमें sampling use करना पड़ता है, sampling करेंगे तभी हमारा जो routine checking है, वो कम हो पाएगा। ये जो लास्ट सेंटेंस है ना ये सेंटेंस एक बार थ्री मार्क्स में ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन राइट तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं Then by routine checking, we traditionally think of extensive checking and vouching of all the entries, disregarding the concept of materiality. Routine checking में सारे transaction देखते हैं, 5 रुपए का transaction है, 5 लाख का transaction है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, सारे ही देखते हैं. Materiality के ऊपर focus नहीं किया जाता है. इसीलिए time और cost ज्यादा हो जाता है. The extent of the checking to be undertaken is primarily a matter of judgment of the auditor. There is nothing statutorily stated anywhere which specifies that. वर्क इज टू बी डन हाउ इज टू बी डन एंड टू वक्सटेंट इट टू बी डन ऑडिटर को किस तरह से ऑडिट करना है वो पूरे ही उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है ये जो सारे ही स्टैंडर्ड वो गाइडेंस देते हैं कि आपको इस तरह से ये करना चाहिए बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन हर क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज हो जाएगा राइट right? किस तरह से करना है कितना करना है वो सब कुछ ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर ही डिपेंडेबल होगा इट इज ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटरी <coughs> सिर्फ right? इतना करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे और उसके ऊपर ओपिनियन देना है और वो ओपिनियन के लिए वो बाउंड है राइट right? वो जो भी ओपिनियन देगा उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ये उसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसे देखना है वो किस तरह से कर रहा है that

ऑडिट एविडेंस है वो तो लेने ही रहेंगे उसी के बेसिस पर हम अपने पर पहुंचेंगे तो उसके लिए आप सैंपलिंग बेसिस पर चेक totally कर रहे हैं या फिर हंड्रेड टच कर रहे हैं इट्स टोटली ऑडिटर्स चॉइस। अगर वो सैंपलिंग कर रहे हैं तो रखना चाहिए टू एंश्योर गुड एंड रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्को स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स कैन लीड हिम टू इनफॉर्म प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन कंसिडरेशन ऑफ दिसन बी से

मेन क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना है और उसके लिए वो अगर स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम करेगा तो वो ज्यादा प्रोफेशनल ओपिनियन होगा इसीलिए अगर वो सैंपलिंग करना चाहते हैं तो उसे स्टैंडर्ड के गाइडेंस को कंसिडर करना चाहिए

तो वहां पर सैंपलिंग यूज किया जाता है तो वो स्टेटिस्टिकल जो से स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे तो ज्यादा कंक्लूसिव और ज्यादा साइंटिफिकली हम सैंपलिंग कर पाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पॉपुलेशन के तो वो ज्यादा उसमें से जो कंक्लूजन मिलेगा वो रिलेवेंट ज्यादा रहेगा और हम अपने सेटिस्फेक्शन हमारे जो कंक्लूजन है उसके ऊपर अच्छा से पहुंच पाएंगे तो <coughs> स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करना चाहिए दूसरी कौन सी मेथड से बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर समझाई भी गई है क्योंकि उसके बेसिस पर अगर हम ओपिनियन पर आएंगे तो वो ज्यादा बेटर ओपिनियन होगा राइट चलिए ये इंट्रोडक्शन आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपने एक बार यहां पर समझ लिया ठीक है अब ये फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग According to SF 530 audit sampling, audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units, that is, all the items in the population, have an equal chance of selection.

हम सिलेक्ट आइटम करेंगे पॉपुलेशन में से उसको हम चेक करेंगे वेरीफाई करेंगे जो भी ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी वो हम करेंगे पर हमारा जो कंक्लूजन होगा वो पूरी ही पॉपुलेशन पर पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सर 200 के हिसाब से वो हम अचीव करके ओपिनियन देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर वेन यूजिंग ऑडिट सैंपलिंग इज टू प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड सिंपल स्कोप ऑफ एस एफ आई अथॉरिटी एस एफ आई अथॉरिटी बिकम्स एप्लीकेबल वैन दो ऑडिटर है और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग किस तरह से करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है जब भी सैंपलिंग किया जाएगा तब किस तरह से करेंगे और ये दोनों कब यूज करेंगे वेन डिजाइनिंग द सिलेक्टिंग द ऑडिट सैंपलिंग वेन डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द ऑडिट सैंपल performing test of controls and test of details and evaluating the results from the sample. audit samples जब हमें design करने होंगे, select करने होंगे, उसके लिए हम वो जो perform करेंगे हमारी जो test of controls और test of details होगी, और उसके ऊपर से जो हमारा results के हम evaluate करेंगे, वो सभी जगह पर ये आ, ऐसे five thirty के जो statistical नॉन statistical sampling को यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर किस तरह से करेंगे, वो सब कुछ ऐसे five thirty में दिया हुआ राइट right? ये जो ऑडिट सैंपलिंग है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी कर सकते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सैंपलिंग नहीं होता है और जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो भी सैंपल बेसिस पर नहीं होती है वो पूरे ही डेटा पर की जाएगी तभी हम अच्छे से कोई कंक्लूजन पर आ जाएंगे आप आएंगे

स्कोप ऑब्जेक्टिव वगैरह मीनिंग दिया था राइट right? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर दिया है पॉपुलेशन पॉपुलेशन रिफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ सैंपल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच दर विस इज टू ड्रॉ कंक्लूजन पॉपुलेशन मतलब पूरा ही डेटा जो है उसे पॉपुलेशन कहेंगे उसमें जो एक एक यूनिट है वो सैंपलिंग यूनिट बन जाएगा और जो सिलेक्ट करेंगे वो हमारा सैंपल्स बन जाएंगे तो पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकाले जाते हैं

कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं पॉपुलेशन के वो समझते हैं सबसे पहले अप्रोप्रिएटनेस दर विल नीड टू सैंपल इज ड्रोन इज अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं जिस पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं वो वजह के लिए वो अप्रोप्रिएट हमारे लिए डेटा होना चाहिए अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन होने चाहिए अप्रोप्रिएटनेस मीन्स पॉपुलेशन फ्रॉम विच दैम्पल्स आर ड्रोन शेल बी रिलेवेंट

Of the of और उसी के बेसिस पर हमारा कौन से डिरेक्शन में क्या टेस्ट करना है क्या चीज कौन सी डिरेक्शन में टेस्ट करनी है वो पता चलेगा अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन के हिसाब से वो हम डिसाइड कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव वर्ट टू टेस्ट फॉर ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसुएबल द पॉपुलशन कुड बी डिफाइंड एस द अकाउंट्स रिसुएबल लिस्टिंग रिसिवेबल में अगर ओवर स्टेटमेंट है या नहीं अगर वो हमें देखना है तो जो लिस्ट है पूरा ओवर uh, का वही देखेंगे कि उसमें कोई भी ज्यादा नहीं है न, कोई भी भी ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं है है ना अमाउंट या फिर जो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है ना क्लाइंट ने तो वो देखेंगे ओवर स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन बन जाएगा ऑन द अदर हैंड वेन टेस्टिंग फॉर अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल द पॉपुलेशन वुड बी पर अगर हम अकाउंट्स पेएबल में अगर अंडर स्टेटमेंट देखना है तो अकाउंट पेबल का जो लिस्ट है वो हमारे लिए इनफ नहीं होगा क्योंकि उसमें तो अंडर स्टेटमेंट है शायद हो सकता है कि जो आने चाहिए वो सारे अकाउंट पेबल नहीं दिखाए हैं तो वही तो हमें ढूंढना है कि है या नहीं तो उसके लिए जो लिस्ट है वो सिर्फ नहीं चलेगा उसके अलावा के एविडेंसेस है वो हमें देखने होंगे जैसे कि है सप्लायर स्टेटमेंट है है उस सारी चीजों में से अनपेड इन्वॉइसिस वहां से हमें ये सारी चीजें पता चलेगी ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने 500 में जब रिलेवेंस के बारे में समझा था वहां पर भी सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप वो भी रिफर कर सकते हैं कनेक्ट कर पाएंगे राइट तो ये रिलेवेंट अप्रोप्रिएट जो है मतलब कि रिलेवेंट डेटा होना चाहिए रिलेवेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए फॉर अवर ऑडिट प्रोसीजर राइट सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का वो है कंप्लीटनेस द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट विच मीन्स दैट इफ द ऑडिटर इंटेंड्स टू यूज द सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूशन अबाउट वेदर कंट्रोल एक्टिविटीज ऑपरेटेड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड द पॉपुलेशन नीड्स इंक्लूड ऑल रिलेवेंट आइटम्स दैट इज ऑल द एक्टिविटीज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ दटलेवेंट इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द एंटायर पीरियड जो भी पॉपुलेशन का हम यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए जो भी हुआ है सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए वो सारी ही चीजें अगर आएगी तभी हमें पता चल पाएगा अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं तो पता चलेगा कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो उसमें भी स्टेटमेंट है या नहीं अगर वो कंप्लीट डेटा होगा तभी पता चलेगा इफ पॉपुलेशन इज कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट द कंक्लूशन ड्रोन ऑन द पॉपुलेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल सिंपल चलो ट audit is 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 जिस भी डेटा के ऊपर जिस भी पॉपुलेशन के ऊपर हम रिलाय करना चाहते हैं जो यूज करने वाले वो रिलायबल होनी चाहिए परफेक्ट होनी चाहिए रिलायबल होनी, होनी चाहिए तभी उसके ऊपर से हम ऑडिट कर पाएंगे अच्छे से आपको भी ये बुक पता है ना कि ये स्टडी मटेरियल है ICI का है, इसी में से आने वाले आप इसको करते हैं, इसमें ऑडिटर शुड ऑप्टेन एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इफ पॉपुलेशन इज नॉट एक्यूरेसी एंड सोर्स सैंपल ड्रोन विल डेफिनेटली नॉट बी रिलेवेंट फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट

ऐसा कि अगर वो हमें सिस्टम में से कोई डेटा निकाल कर दे रहे हैं तो वो डेटा हमारे सामने एक्सट्रैक्ट होना चाहिए तो उसमें रिलायबिलिटी बढ़ सकती है राइट तो इस तरह से रिलायबिलिटी पर हम फर्क कर सकते हैं है कि ये रिलायबल डेटा है या नहीं तो यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पॉपुलेशन के अप्रोप्रिएटनेस दैट इज इक्विवेलेंट टू रिलेवेंस ऑफ द डेटा रिलाड़ कंप्लीटनेस जो भी डेटा है वो पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए थर्ड रिलायबिलिटी एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा होना चाहिए ये ये में होना चाहिए Simple, या आपको descriptive question में पूछ सकते हैं इंडिविजुअलेशन आर नोन एज सैंपलिंग यूनिट एक एक जो इंडिविजुअल आइटम है वो सारे ही इकट्ठा होकर बनेगी पॉपुलेशन राइट right? तो वो जो सारे जो एक-एक आइटम है उसे सैंपलिंग यूनिट कहा जाएगा

सैंपल्स के ऊपर जो हमें कंक्लूजन मिला है वही पूरे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन बनेगा फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑडिटर्स ऑपरेटिव सॉरी accounts टू the ऑफ unit could यूनिट defined कस्टमर customer और इंडिविजुअल कस्टमर customer invoices. अगर हमें अकाउंट्स के बारे में देखना है तो जो अकाउंट्स कस्टमर बैलेंस के एक एक अकाउंट है वो कस्टमर बैलेंस या फिर एक एक ट्रांजेक्शन जो हुए हैं हुए हैं वो हमारे लिए सैंपलिंग यूनिट हो जाएंगे राइट उसमें से हम सैंपल्स निकालेंगे ऑडिटर डिफाइंस द सैंपलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू ऑप्टेन एन इफिशियंट एंड इफेक्टिव सैंपल टू अचीव द पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव द कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सैंपलिंग यूनिट

टू द होल पॉपुलेशन ऑल्दो नॉट नेसेसरि एक्जेक्टलीम ये क्लोजली सिमिलर होना चाहिए एग्जैक्टली exactly सेम तो नहीं हो पाएगा बट क्लोजली सिमिलर होना चाहिए तभी रिप्रेजेंटेटिव हम कह पाएंगे सैंपल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टेटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट और इतना तो सैंपलिंग होना चाहिए कि वो हम पूरे ही पॉपुलेशन के ऊपर हमारा कंक्ूजन है वो हम यूज कर सके प्रोजेक्शन uh, कर सके राइट right? अगर लाखों ट्रांजेक्शन है तो उसमें से दो पांच दस ट्रांजेक्शन देखेंगे तो नहीं चलेगा right? तो कि कितने चेक करने चाहिए। वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर तो इनफ होने चाहिए कि हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकें सैंपलिंग प्रोसेस इज परफॉर्मड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स क्यों होते हैं ट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट दटर राइट तो वो जो अगर हम देखेंगे उसमें भी कौन से कंट्रोल्स देखने हैं उसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं सारे कंट्रोल्स हम नहीं देख पाएंगे इसीलिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो टू आडेंटाई मिस स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेज एंड बैलेंसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंसेज में कहां पर मिस स्टेटमेंट है वो हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं हैं टेस्ट टेस्ट ऑफ़ ऑफ़ डिटेल्स डिटेल्स तो वो जो टेस्ट है उसमें से कितने वाउचिंग या वेरिफिकेशन के लिए कितने ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस देखेंगे वो हम सैंपल बेसिस पर कर सकते हैं ये आपको करेक्ट इन करेक्ट एम्स्यू में पूछ सकता है चलिए अप्रोचेस टू तो सैंपलिंग टाइप्स ऑफ सैंपलिंग Audit, sample, audit sampling enables the auditor to obtain and evaluate audit evidence about some characteristics of the item selected in order to form or assist in forming a conclusion about the population from which the sample is drawn. Audit sampling can be applied using either non statistical or statistical sampling approaches. Statistical sampling is an approach to sampling that has the random selection of the sample units and the use of probability theory to evaluate sample results, including measurements of sampling risk characteristics. स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग किसे कहेंगे जहां पर सैंपलिंग है वो टोटली रैंडम बेसिस पर होती है और ऐसा कहा जाता है कि टोटली totally रैंडमली अगर सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं तो वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के राइट right? तो क्योंकि अब तक हमने वही पढ़ा कि जो सैंपल्स है वो मस्ट भी पॉपुलेशन होने चाहिए तो वो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग से हम वो अचीव कर सकते हैं सेकेंड इसमें कहा है कि उसमें प्रोबेबिलिटी के लो जो उसकी थियरीज है वो यूज की जाती है कि पता चले कि ये जो सैंपल का रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट होगा वो इवेल्यूएट करने के कर लिए तो वो भी साइंटिफिक होता है एंड थर्ड उसमें जो सैंपलिंग रिस्क है कि मतलब कि जो सैंपल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन के तो शायद हमारा ऑडिट ओपिनियन गलत आ सकता है या फिर हमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ती है तो वो सैंपलिंग रिस्क होगा सैंपलिंग रिस्क मतलब कि जो सैंपल्स निकाले हैं ना वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है तो वो सैंपलिंग रिस्क है तो वो सैंपलिंग रिस्क का मेजरमेंट भी स्ट्रेटिस्टिकल सैंपलिंग में हो सकता है क्योंकि उसमें स्ट्रेटिस्टिकल टूल्स यूज किया जाएंगे राइट right, तो स्ट्रेटेजिकल सैंपलिंग का जो अप्रोच है उसमें क्या क्या होता है एक तो रैंडम होता है सेकंड प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज किया जाता है टू इवेल्यूटल रिजल्ट एंड थर्ड टू मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स में भी प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज किया जाता है राइट right, ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आपको ये मीनिंग भी पूछ सकते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं sample is chosen by applying certain mathematical and statistical methods a sampling approach that does not have the above features are considered as a non statistical sampling to jahan par bhi ye tino hi approach tino hi characteristics nahi hai wo sare hi non statistical sampling ka hai jayenge यहाँ पर है characteristics of statistical sampling approach। तो ये जो तीनों characteristics जो हमने उसके meaning में समझे वही यहाँ पर दिए हैं

अब यहाँ पर जो सैम्पलिंग रिस्क दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं सैम्पलिंग रिस्क मतलब कि जो सैंपल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं है राइट right? तो वो जो सैंपल्स है वो रिस्क ही हो जाएंगे वो रिप्रेजेंटेट नहीं करते हैं पूरी पॉपुलेशन के पॉपुलेशन का तो उसके ऊपर कि इससे हमने जो कंक्लूजन पर आए हैं वो गलत हो सकता है तो वो रिस्क बढ़ जाएगा राइट right? वो सैम्पलिंग रिस्क हो ये यह आपको यहाँ पर पूरे ही चैप्टर में नहीं दिया है आपको जो टेस्ट योर नॉलेज करके जो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं उसमें एक क्वेश्चन दिया है तो वहां से हम ये चीज समझते हैं आपको जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 21 जो है पेज नंबर 4.126 पर क्वेश्चन नंबर 21 है

तो क्या होगा कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करेंगे और फिर पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन में तो कुछ मिसेटमेंट नहीं है ना ही कंट्रोल्स इनऑपरेटिव uh, है

Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusions. First, in the case of a test of controls, that controls are more effective than they actually are, or in the case of test of details, that a material misstatement does not exist when in fact it does. मतलब अगर हम test of controls कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या लग रहा है कि controls है वो operating effective है, जबकि actually नहीं है। या फिर जो test of details कर रहे हैं, उसमें हमें कोई भी misstatements नहीं मिल रहे, जबकि actually उसमें misstatements है।

This type of erroneous conclusion affect the audit efficiency as it would usually lead to additional work to establish that the initial conclusions were incorrect. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी और फिर पता चलेगा कि वो जो मिसस्टेटमेंट या फिर वो इन इन इनऑपरेटिवनेस थी राइट इंटरनल कंट्रोल्स की वो गलत थी तो उसके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगी तो हमारी एफिशिएंसी वो यहां पर अफेक्ट uh, होगी सिंपल तो ये सैंपलिंग रिस्क इस दो तरीके से हो सकते हैं यहां पर इफेक्टिवनेस अफेक्ट effect करेगी यहां पर एफिशिएंसी अफेक्ट करेगी यहां से ऑडिट ओपिनियन गलत आएगा यहां से ऑडिट ओपिनियन गलत नहीं आएगा बट ऑडिट प्रोसीजर हमें ज्यादा करनी रहेगी सिंपल ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट है, है। चलिए अब फिर से आ जाता है जहां पर हम समझ रहे थे तो आ जाइए पेज नंबर फोर पर

जो नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है वो उसमें कोई स्टेटिस्टिकल थीरीज का यूज नहीं किया जाता है वो ऑडिटर अपने जजमेंट के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैंपल्स करते हैं तो उनसे ज्यादा ये साइंटिफिक है स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इस के थियरीज और उसके लॉज का मैथमेटिकल लॉज का यूज किया गया है सेकेंड स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग हैज रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन वेर अ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड मोर इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन

साइंटिफिक द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन द होल पॉपुलेशन इन अ मोर रिलायबल मैनर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है वहां पर कोई भी पर्सनल नहीं होगा वो स्टैटिस्टिकली रैंडमली यूज किया जाएगा चेक किया जाएगा

हेल्पफुल um, हो सकता है। बट ये स्टैटिसटिकल सैम्पलिंग के लिए कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद लेनी पड़ती है तो वो कई बार लग्जरी कंसीडर किया जाता है। सारे ही ऑडिटर्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसका नॉलेज नहीं होता है। For example, an auditor while verifying the purchases during the year realised that the purchase transaction in that year are more than forty five thousand in number. Then in such a case, statistical sampling will be highly recommended in the audit program. Random sampling discussed. Uh, आगे डिस्कस करेंगे द मेथड यू डिसाइड टू चूज सैंपल इन सच सिचुएशन राइट बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो वहां पर स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है वो एडवाइजेबल रहता है अब नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग क्या है वो समझते हैं Under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. Non-statistical sampling है उसमें personal experience bias के basis पर knowledge के basis पर ही auditor है वो खुद samples कौन से कौन से होने चाहिए वो decide करते हैं. This approach has been in common application of many years because of its simplicity in operation. ये काफी simple रहता है मतलब कि मैंने select कर लिया कि चलो मैं हर alternative transaction को check करूँगा. तो वो हो गया। मैं ये पहले दो महीने का चेक करूंगा फिर पांचवे महीने का चेक करूंगा फिर आठवें महीने का फिर ट्वेल्थ मंथ का उस तरह से तो वो नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग हो गया मैंने जस्ट चेक किया देखा और मैंने सोच लिया कि मैं ये मंथ या फिर ये ट्रांजेक्शन चेक करूंगा तो वो नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग हो गया राइट right? Traditionally, the 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 auditor, on the basis of of his personal experience, will determine the size of the samples and express it in terms that number of pages or personal accounts in the purchase or sales ledger to be checked. वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि कितना चेक करना है कितने ट्रांजैक्शन है उसमें से हम कितने चेक करेंगे कितने पेजेस पेजेस तो अब नहीं होते हैं वो पहले जो ट्रेडिशनली बुक्स फिजिकली किए जाते थे वहां पर ऐसा होता था राइट right? कौन सा कितने अकाउंट्स चेक करने हैं पर्सनल अकाउंट्स इनके सॉफ्टवेयर एड्रेसेबल ट्रेड पेबल तो वो खुद डिसाइड करते हैं फॉर एग्जांपल मार्च जून एंड सितंबर में बी सिलेक्टेड इन ईयर वन एंड डिफरेंट मंथ्स वुड बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स टॉप टेन हाइस्ट वैल्यूज एटसेट्रा तीन महीने चूज किए वन ईयर की मार्च जून और सितंबर में जितने भी परचेस के ट्रांजैक्शन है सेल्स के है वो चेक करेंगे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, तो वहाँ पर सीजन के पर चेक करते हैं राइट तो वो नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो जाता है यहाँ पर दूसरे भी एग्जाम्पल्स वैल्यू ऑफ आइटम्स कितने आइटम इतनी, इतनी वैल्यू के ऊपर के सारे ही ट्रांजेक्शन हम चेक करेंगे टॉप टेन हाइस्ट वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन चेक करेंगे

राइट right, तो कुछ मिस स्टेटमेंट मिलने के चांसेस नहीं है इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर सो दैट द ऑफ ऑफ कट प्रोसीजर्स कैन आल्सो बी डिटरमाइंड कट ऑफ प्रोसीजर के लिए हम जो ईयर एंड के आसपास के जो ट्रांजैक्शंस है वो खास ध्यान से चेक करते हैं क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऑल्सो बिकॉज योर एंड ट्रांजेक्शन आर प्रोन टू हाई रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और ईयर एंड के ट्रांजेक्शन में मिस अप्रोप्रिएशन कुछ गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो इसीलिए हमें अच्छे से चेक करने चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स का जो टारगेट था वो इस साल अचीव नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के ट्रांजेक्शन को इस साल में रिकॉर्ड किया है या फिर इस साल का जो हमें प्रॉफिट है वो कम करना है तो हो सकता है कि इस साल के सेल्स का ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में दिखाया जाए तो ऐसी कुछ चीज नहीं हुई है ना वो ध्यान में रखना होगा

कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चलो अभी काम करने का मूड नहीं है आर्टिकल्स को बोला है कि भाई आपको परचेस के ट्रांजेक्शन देखने बट आर्टिकल्स का मूड नहीं है उसे क्लास में जाना है पढ़ाई करनी है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो जिस, जिस मंथ में सबसे कम ट्रांजेक्शन हो गए उसे ही देख लेगा तो वहां पर पर्सनल बायस आ गया कि चलो ये फटाफट हो जाएगा मैं फटाफट वो देख लेता हूं तो ऐसी चीजें होने के चांसेस है उस वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे ही आया था कि आप स्टेटिस्टिकल अप्रोच यूज करते हैं या फिर नॉन स्टेटिस्टिकल अप्रोच सैंपल्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन तो वो चीज पर्सनल बायस की वजह से शायद मिस आउट हो सकती है और रिस्क बढ़ सकता है The closeness of the qualities projected by sample results with that of the whole population cannot be measured because of sample has not been selected in accordance with the mathematically best statistical techniques. However, it may be stated that the auditor with his experience and knowledge of the client's business can evaluate accurately enough the sample findings to make audit decisions and the mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford. जनरली उसने नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में सैम्पल्स में से जो हमें कंक्लूजन मिला है उसको हम पूरे ही पॉपुलेशन में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो स्टेटिस्टिकल नहीं है बट <laughs> जो ऑडिटर है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये चीज पॉसिबल हो पाती है वो जो जनरली सैम्पल्स सिलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन हो जाते हैं और इवन जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है वो कई बार लग्जरी कंसिडर करी जाएगी तो वो सारे ही ऑडिटर्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते है

राइट बट इसमें साइंटिफिक लॉ का यूज नहीं किया जाता है, प्रो, प्रो, पर्सनल आता है क्योंकि ये वो experience, पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू करेक्ट इन भी पूछ सकते हैं क्लियर सैंपलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग में सब कुछ चेक किया जाता था सैंपलिंग में जो सैंपल बेसिस पर ही चेक करते हैं कंट्रोल्स देख लेते हैं कि कंट्रोल्स बराबर है या नहीं उसके बेसिस पर हम सैंपल्स सिलेक्ट करते इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसिस द एविडेंस अवेलेबल इज नॉट कंक्लूसिव एंड ऑडिटर ऑलवेज टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क इन गिविंग हिज ओपिनियन हर बार सारे ही एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होते हैं कि ये परफेक्ट है ये जो बोल रहा है एविडेंस वही सही है राइट right? ऐसा नहीं होता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना पड़ता है कई बार हमें persuasive, जो believe कर सकते हैं हमें जो मान सके ऐसे ऑडिट चेक करने रहते हैं उसके ऊपर भी ट्रस्ट करके हम कंक्लूजन पर आते हैं करेंगे फिर भी हमें 100% परसेंटेज सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसमें तो भी डाउट तो रहेगा ही

इसीलिए जो एकदम उत्साही है या फिर जो एडॉप्ट करता है जो इंडस्ट्रियस मेहनत हुए वो ऑडिटर क्या करेगा वो स्टैटिसटिकल सैम्पलिंग थियरी का यूज करेगा और स्टैटिसटिकल सैम्पलिंग करके उसके बेसिस पर पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देगा। ऑडिटर्स realised that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of his

By adopting the sampling technique, the auditor only checks a part of the whole mass of transactions. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transactions can be derived by a sample checking provided he can put reliance on the internal controls and checks within the client's organization because they provide the reliability of the records. Sampling is used as a part of test of controls. Auditor will check few internal controls and their operating effectiveness.

On the other hand, if in certain areas controls are slack or not properly implemented, the auditor may have to take much larger sample for getting satisfactory result. जहाँ पर controls अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर auditor को ज़्यादा check करना पड़ेगा. In detail, वो transactions उसे check करने रहेंगे.

कई बार हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं एरर्स दोनों ही तरफ होते ही है रिस्क दोनों ही तरफ होता है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए राइट right? इसीलिए आपको वाइजली आपको पढ़ने में भी देखना चाहिए कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है या पूरा करना है क्योंकि 80 परसेंटेज अगर आप कंप्लीट करते हैं कोर्स और उसको रिवाइज करके जाते हैं दैट्स मोर बेनिफिशियल देन 100 जस्ट कोर्स कंप्लीशन राइट जाता ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपको ध्यान में रखना है ये स्टडी के लिए एडवाइस थी बट सैंपल्स यहां पर ऑडिट में भी हम करेंगे राइट right? तो वो हंड्रेड परसेंटेज करके भी वो टाइम और कॉस्ट जाएगा और वो इफेक्टिव जो रिजल्ट चाहिए वो तो नहीं मिलेगा इसीलिए सैंपल्स करना ज्यादा एडवाइजेबल वो ज्यादा प्रिफर करते हैं फिर एग्जांपल दिया हुआ है मिस्टर एक्स मे कंसीडर दैट इन हिज एस्टिमेशन ऑफ स्टोर्स वैल्यूएशन एन एर ऑफ टू परसेंटेज मे नॉट बी मटीरियल He also decides that he needs at least 98% reliability of the result. 2 percentage error to watch the material but 98% reliability. He is to pick up the requisite number of items of the stores for the reliability of the result. The requisite number he can get from the random number table. The question of reliability of the result is directly linked with the reliability of the internal controls and of the books and records. वो जो इन्वेंटरी में जो रिलायबिलिटी आएगी वो उसके ऊपर के कंट्रोल्स कैसे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेबल व्हेन दिस आर सेटिस्फैक्टरी लेसर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ असेंबलिंग एस्टिमेशन मे सफाइस इफ दिस आर नॉट सेटिस्फैक्टरी द ऑडिटर मे हैव टू डिसाइड अपॉन अ हायर डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी व्हिच कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्जर सैंपल अगर कंट्रोल्स और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं तो वो कम सैंपल्स में भी वो एक्यूरेसी uh, या फिर उसका जो रिजल्ट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएंगे बट अगर वो रिलाई uh, नहीं कर पाता है कंट्रोल्स वगैरह पे तो वहां पर लार्जर सैंपल उनको चेक करने वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस दिस टर्म वेन एंड ऑड इट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्ट ट्रेकिंग दिस इट इज सेटिकल थियरी ऑफ सैम्पलिंग

The the factors that should be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan are following. फैक्टर्स कौन कौन कि कितना हमें चेक करना है के बेसिस पर, वो यहाँ पर वो जो फैक्टर्स है वो यहां पर दिए हुए उसके बेसिस पर डिपेंड करता है सैंपलिंग फर्स्ट साइज ऑफ देशन अंडर ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है राइट right? वो किस साइज का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है है बड़ा होता है, तो वहां पर तो सैंपलिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिफिकेशन होंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे सेकेंड स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कैसे है इंटरनल कंट्रोल अगर ज्यादा है राइट right? अच्छे है ऑपरेटिंग इफेक्टिव है तो वहां पर हम इजीली सैंपल्स सिलेक्ट कर पाएंगे अगर कंट्रोल्स अच्छा नहीं है तो वहां पर सैंपलिंग से uh, से ज्यादा बेटर होता है कि आप हंड्रेड परसेंटेज वेरिफिकेशन कर ले या फिर कोई और प्रोसीजर कर ले या फिर लार्ज सैंपल साइज भी हो सकती है एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बुक्स और रिकॉर्ड्स है वो एडिक्वेट एंड रिलायबल है या नहीं वो अगर एडिक्वेट एंड रिलायबल होंगे तो वहां पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे टोलरेबल एरर

परस्यूसिव ऑडिट एविडेंस के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं वहां पर हम सैंपलिंग कर सकते हैं अगर हमें कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए वहां पर हम कभी भी हंड्रेड सैंपलिंग uh, नहीं कर सकते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक कन्फर्मेशन है वो कभी भी सैंपल uh, बेसिस पर नहीं चेक किया जाता है सारी ही बैंक से चाहिए या फिर उसके अल्टरनेटिव में हमें स्टेटमेंट वेरीफाई करना रहता है वो हंड्रेड परसेंटेज वेरीफाई किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है वहां पर हमें हंड्रेड परसेंटेज कॉन्फिडेंस चाहिए बैंक बैलेंसेज तो परफेक्टली मैच होनी ही चाहिए स्टेटमेंट या फिर कन्फर्मेशन के साथ बट वहां पर सैंपलिंग नहीं होता है इसलिए डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है

इन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग सैम्पल रिजल्ट आर मेजरेबल एज टू द एडिकुअसी एंड रिलाट ऑब्जेक्टिव वेर इज इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग द ऑडिट ओपिनियन डिटरमाइनज दैंपल साइज बट इट कैन नॉट बेजर हाउ फार दैंपल साइज वुड फुलफिल द ऑडिट ऑब्जेक्टिव नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में वो सारी चीज़ें नहीं होगी हम एक्सपेक्टेशन या फिर पूर, वो सैंपल के बेसिस पर पूरा पॉपुलेशन में रिजल्ट कितना है रिस्क कितना है वो हम मेजर नहीं कर पाते है क्योंकि जाता है इसीलिए जनरली स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग है वो एडवाइजेबल रहती, रहती है एडवांटेजेस ऑफ फॉलो उसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं the amount of testing sample size does not increase in proportion to the increase in size of the area universe tested अगर जो ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे उस वजह से सैंपल्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो जनरली वैल्यू से प्रोपोर्शनेट रहते हैं स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग में फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हम मार्च uh, अप्रैल या फिर मार्च जून और सितंबर मंथ के वाउचर्स देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि मार्च जून और सितंबर में अगर ज्यादा transactions हुए होंगे छोटी अमाउंट के भी तो भी हमारे वाउचर्स बढ़ जाएंगे देखने के लिए बट स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में तो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं हम तो वो जनरली आसपास की अमाउंट के होंगे तो वहां पर ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे राइट इसलिए सैंपल साइज उस तरह से नहीं बढ़ेगा

कंक्लूसिव uh, एविडेंस या फिर ज्यादा एविडेंस हमें स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग से मिलेगा क्योंकि जो नॉन सैंपलिंग एरर्स रहती है एर क्लेरिकल प्रोसेसिंग एरर्स है वो वो बहुत बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत कम होती है है कम इसलिए उसका जो मटीरियलिटी या फिर उसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी तो प्रॉब्लम कम होते हैं इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैंपलिंग एज इट इज मोर साइंटिफिक विदाउट पर्सनल बायस एंड द रिजल्ट ऑफ सैंपल कैन बी इवेल्यूएटेड एंड प्रोजेक्टेड इन मोर रिलायबल वे ये साइंटिफिक है राइट इसमें कोई भी पर्सनल बायस नहीं है एप्लीकेशन भी बहुत जगह पर होती है इसलिए ये ज्यादा रिलायबल मेथड अप्रोच रहता है सिंपल ये आपको डिस्क्रिप्टिव uh, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो आपको ये अच्छे से करके जाना चाहिए अंडर द सम ऑडिट सरकमस्टांसिस स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड्स मे नॉट बी अप्रोप्रिएट

हो सकता है कि वो कम टाइम में या कम एफर्ट से वही या फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए चाहिए। वो मिल सकता है तो आपको यूज़ करना चाहिए। For example, जहां पर एक्ट एक्सी चाहिए हंड्रेड परसेंटेज परफेक्ट ही होना चाहिए या फिर लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पूरा ही वेरीफाई करना है तो वहां पर हम स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग नहीं करेंगे 100

रखना होगा एक तो हमारा स्पेसिफिक है कोई भी चीज हमें अगर देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमें अकाउंट में ओवर स्टेटमेंट देखना है तो वो जो

मिस स्टेटमेंट कंडीशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू दैट ऑडिटेंसिस्ट दर इनिंग वॉट कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन टू यूज फॉर ऑफ ऑडिटेंस कौन सा ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए किस तरह का एविडेंस हमें चाहिए और अगर उसमें डेवियेशन क्या होगा कि क्या अलग होगा तो उसे डेविएशन या फिर एरर या फिर स्टेटमेंट कहा जाएगा वो हमें कंसिडर करना होगा उस हिसाब से हम डिजाइन कर पाएंगे सैंपल्स को एंड थर्ड इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स

तो जो हम सैंपलिंग करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन में से करना है तो वो जो पॉपुलेशन है वो डिटेल्स है वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए वो कंप्लीट होगी उसी के बेसिस पर हमारा सैंपल डिजाइन बनेगा सारे ही ट्रांसेक्शन पता होंगे कितने हैं कितने अमाउंट है उसी के बेसिस पर सैंपलिंग बन सकता है तो ये जो डिजाइन करने के लिए फैक्टर्स इंपोर्टेंट है ये एक बार पूछा हुआ है ओल्ड कोर्स में थ्री मार्क्स में फिर से पूछ सकते हैं

डिटेल्स में टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे तो उसमें से हमें मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे कि ये इस तरह से ट्रांजेक्शन uh, या फिर बैलेंस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है तो ये मिस स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा तो वो हमें प्रोजेक्ट करने के लिए भी वो ऑडिट प्रोसीजर कौन से कर रहे हैं क्या डेविएशन और मिस स्टेटमेंट किससे कहा जाएगा किससे माना जाएगा वो हमें पहले डिफाइन करना होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिलेटिंग टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल सच एज

ट्रेड uh, पेबल को पे किए थे वो उन्होंने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किए वो कुछ थोड़े टाइम के लिए पेमेंट नहीं मिला है उस वजह से टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अगर वो डेविएशन आ रहा है डिफरेंस आ रहा है तो वो मिसस्टेटमेंट नहीं है वो जस्ट रिकॉर्डिंग टाइमिंग की वजह से है तो वो रिकन्सिलेशन से सॉल्व हो जाएगा राइट right? या फिर एक कस्टमर की बैलेंस दूसरे अप्रोप्रियट टू कंसिडर दिसमेंट इन इवेल्यूटिंग ऑफ दिस पर्टिक्यूलर ऑडिट प्रोसीजर इवन दो इट मे हेव एटेंट इफेक्ट ऑन अदर एरिया रिस्क ऑफ फ्रॉड और अदर और तो कि ये जो डिट प्रोसिजर करना चाहते हैं उसके लिए ये जो डीले इन द रिक पेमेंट या फिर रिसिप्ट है या फिर एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाना वो शायद हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट मैटर या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है बट वो ऐसा लीड कर सकते कि वहां पर फ्रॉड हो रहा है या फिर और कोई चीज अगर एक अकाउंट की जगह पर दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया तो वहां पर डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन करेंगे उसमें कुछ गलती होने के चांसेस है तो हमारे लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा अगर क्या चीज होगी तो उस समय स्टेटमेंट कहा जाएगा वो अलग अलग हो सकता है वो डिपेंड करेगा वो पहले से डिफाइंड किया होना चाहिए

आपको भी अगर लग रहा है कि आपके पास होने के चांसेस ज्यादा है या फिर फेल होने के चांसेस ज्यादा है अगर आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा मेहनत करेंगे आपको ज्यादा मेहनत करनी भी चाहिए और अच्छे से करेंगे भी राइट जनरली तो ऐसा ही होगा राइट तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन पहले डिसाइड करेंगे ऑडिटर और उसके बेसिस पर कौन से प्रोसीजर करनी है और क्या सैंपल साइज रहेगी वो डिसाइड किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई तो ऑडिटर विल नॉर्मली डिसाइड नॉट टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगर ऐसा लग रहा है कि डेविएशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है अनएक्सेप्टेबली हाई चांसेस है तो वहां पर कंट्रोल्स चेक करने से बेटर है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करें क्योंकि वहां पर मिसटेटमेंट्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे Similarly, for test of details, the auditor makes an assessment of the expected misstatements in the population. If the expected misstatement is high, 100% examination or use of large sample size may be appropriate when performing test of details.

ये करेक्ट इन करेक्ट या फिर एमसीक्यू में ये आपको पूछ सकता है तो आपको उस तरह से कंसीडर करना होगा ये पॉइंट्स को फिर है स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन स्टेटिफिकेशन मतलब कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाएगा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स को एक साथ जोड़कर फिर उसमें से हमें सैंपलिंग सिलेक्ट करना होगा या फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है उसमें वैल्यू को इंपोर्टेंस देंगे कि ये वैल्यू के ऊपर के जितने भी ट्रांसेक्शन है वो हम चेक करेंगे राइट तो उस तरह से सिलेक्शन हो सकता है ये वन ऑफ आगे जाकर हमारे मेथड्स टेक्निक्स जो सैंपलिंग है उसमें भी ये डिस्कस किया गया है राइट चलिए ये समझते हैं दोनों ही In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine that stratification or value-weighted selection is appropriate. हमें वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन करना चाहिए या फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करना चाहिए वो डिसाइड करेंगे ऑडिटर जो भी है। Sf 530 provides guidance to the auditor on The use of and पर आपको नीचे दिया है जो है, उसमें वो समझ लेते हैं जिसके है, उसको हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेडिफिकेशन कहलाया जाएगा इच सब पॉपुलेशन इज कोल्ड एज अटम एंड यूनिट्स अंडर स्ट्रेटम जो पूरी ही पॉपुलेशन है उसको पॉपुलेशन कहेंगे उसमें से हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे तो वो जो प्रोसीजर है उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाएगा वो जो सब पॉपुलेशन है उसे स्ट्रेटम कहा जाएगा और उस जो सब पॉपुलेशन उस स्ट्रेटम के अंदर जो ईच यूनिट है उसे स्ट्रेटा कहा जाएगा राइट right? पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन उसमें से सब पॉपुलेशन होगी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली उसे कहा जाएगा स्ट्रेटम उसमें जो एक एक यूनिट है के अंदर वो होगा और ये जो प्र, प्रोसेस है पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना उसे कहा जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि अगर परचेस है तो परचेस है उसको हम स्टेट वाइज अगर बाइफर्गेट करते हैं तो पूरी परचेस है वो पॉपुलेशन है उसमें गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली है फिर राजस्थान उसका ये चार स्टेट या चार यू स्टेट और यूटीज में डिवाइड किया तो वो जो चारों ही स्टेट में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या हो जाएगा स्ट्रेटम हो जाएगा उसके अंदर के जो ट्रांजेक्शन है वो स्ट्रेटअप हो जाएगा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन राइट right? फिर आगे समझते हैं जो हमारा पेंडिंग था sub, sub characteristics. जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है आइडेंटिफाइंग है उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे तो उसे स्टेटिफिकेशन कहा जाएगा उससे एफिशियंसी बढ़ जाएगी आपको भी अगर पूरा ही एक साथ ये सारे ही सब्जेक्ट दे दिए होते तो एफिशियंसी कम हो जाती पता ही नहीं चलता कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है क्या पढ़ा रहा है कुछ

Uh, जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टेरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टेरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया है तो वहां पर हमें सैंपल साइज बढ़ाए बिना ही सैंपलिंग रिस्क कम किया जाएगा वेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स द पॉपुलेशन इज ऑफन स्टेडिफाइड बाई मॉनिटरी वैल्यूज दिस अलाउज ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डिस्क directed to the larger value items as these items may contain the greatest potential misstatements in terms of overstatement

कि कितने टाइम से वो रिसीवेबल अमाउंट है तो वो रिसीवेबल का पूरा एजिंग है तो वो एजिंग के बेसिस पर वो सर्टिफिकेशन ही बन जाएगा कि ये विद विदिन ईयर है ये वन टू टू ईयर के बीच का है ये टू टू थ्री इयर्स का है तो उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि किस में हमें डाउटफुल डेट्स के लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए राइट मोर देन वन ईयर वाले होंगे तो वो जनरली उसके लिए डाउटफुल डेट्स का लिए हमें प्रोविजन करना चाहिए तो वो क्या है वो एजिंग में स्टर्टिफिकेशन करके पता चल सकता है

तो उसके लिए मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कंसिडर करना होगा कि जितने भी स्ट्रेटा से ये पूरी पॉपुलेशन बनती है उसमें कितना है या रिस्क पूछ सकते हैं द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल फ्रॉम यूनिट्स ड्रॉन अंडर ईच सब पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड टू दट रिस्पेक्टिव स्ट्रेटा इन ऑर्डर टू ड्रॉ एन ओपिनियन ऑन पॉपुलेशन

ऑडिटर मे डिसाइड टू एग्जाम ऑफ दिसम्सिटर ऑन द नाइन परसेंट ऑफ वैल्यू सेपरेटली फ्रॉम द रिंग टेनज फर्दर सैंपल और अदर मीन्स ऑफ गैदरिंग ऑडिट एविडेंस विल बी यूज और विच में कंसिड इन मटीरियल तो जहां पर नाइन्टी परसेंटेज वैल्यू होती है सिर्फ ट्वेंटी परसेंटेज ट्रांजेक्शन में तो वहां पर हम सैंपल्स में से चेक करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट पर हम चेक कर सकते हैं या हो सकता है कि वो ट्वेंटी तो वो जो कंक्लूजन होगा वो हमारे 90 -age value पर आज बाकी की जो है है जिसमें 80 -age transaction है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं मटीरियल लगे तो या फिर कोई और मेथड एनालिटिकल प्रोसीजर या ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर उसमें से भी थोड़े से हम चेक कर सकते हैं राइट तो ये सर्टिफिकेशन का बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल सकता है फिर है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन When performing test of details it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary units that make up the population having selected specific monitor units from Within the population, for example, the accounts receivable balance, the auditor may then examine the particular items, for example, individual balances that contain those monetary units. हमने एक monetary unit select कर लिया, choose कर लिया, और वो जहाँ पर monetary unit होगा, वो हम उस तरह से verify करेंगे. For example, one lakh या फिर उसके ऊपर के transaction होंगे, वो हम check करेंगे. तो वो evaluated selection हो जाएगा.

This approach may be used in conjunction with the systematic method of sample selection and is most efficient when selecting items using random selection. Right? In the evaluated selection, the sample sizes, its selection and evaluation will result in a conclusion in a monetary amounts. ठीक okay. है. Okay. चलिए. फिर sample size. The auditor shall determine a sample size sufficient to reduce sample error risk to an acceptably low level. The level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required. हमें कितना sampling risk लेना है उसके basis पर right वो sample size matter करेगी जितना risk हमें कम लेना है उतना sample size बढ़ जाएगा उतने ज्यादा sample हमें check करने रहेंगे The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater the sample size will need to be. Simple. ये आपको correct incorrect MCQ में पूछ सकता है

मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए भी हमें फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए भी कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे सैंपल साइज को वो दोनों ही हमें यहाँ पर दिए हैं वो दोनों ही हमें समझना है अब यहाँ पर क्या है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो फर्स्ट फैक्टर है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी फैक्टर है तो वो हम साथ में पढ़ते जाएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जो फैक्टर्स है वो पांचों ही फैक्टर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी है टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो एक्स्ट्रा और फैक्टर्स है

When there is an increase in the extent to which the auditor's risk assessment ta takes into account relevant controls. The more assurance the auditor intends to obtain from the operating effectiveness of controls, the lower the auditor's assessment of the risk of material mistreatment will be, and the larger the sample size will need to be.

हमारा जो सैंपल साइज है वो भी इतना बढ़ेगा तो रिस्क असेसमेंट के हिसाब से अगर रिस्क को लो करने के लिए अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल से उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई करते हैं तो सैंपल साइज बढ़ जाएगी उसके ऊपर अगर हम अगर हमें रिलाई कम करते हैं तो सैंपल साइज कम हो जाएगी

वो जो हमने एस्टिमेट किया कि वो लो है सब्जेक्ट टू कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो वो कंट्रोल्स के ऊपर हमारा अश्योरेंस ज्यादा होना चाहिए तो वो ज्यादा अश्योरेंस के लिए ज्यादा सिंपल साइज लगेगी सिंपल When the auditor's assessment of the risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation of the operating effectiveness of controls, the auditor is required to perform test of controls. इसलिए जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट है, वो जो एसेस किया है, उसमें रिक्वायरमेंट है कि कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, तब तो हमें कंट्रोल्स वेरीफाई करने ही होंगे। Other things being equal, the greater the reliance.

रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ऑडिटर का जो असेसमेंट है वो ज्यादा है हायर रिस्क है तो वहां पर सैंपल साइज ज्यादा होगी इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एज वेल लग रहा है कि मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा राइट right? तो वहां पर रिस्क ज्यादा है मिसस्टेटमेंट का तो वहां पर सैंपल साइज ज्यादा होनी ही चाहिए आपको भी अगर लग रहा है ना कि सीए में आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करेंगे अगर

तो टोलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जितना इंक्रीज होगा सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगी और उसका से वर्षा, कि अगर टोलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा तो सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जितना टोलरेट ज्यादा कर पाएंगे सैंपल कम जाएंगे क्योंकि रिस्क हमारा कम होगा इसीलिए टोलरेबल एरर इज इन ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट इन गिवन सैंपल साइज स्मॉलर द लार्जर विल बी साइज सिंपल वैसा ही पॉइंट टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी दिया है तो वो देखते हैं वो है, अगर uh, है, 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 in है, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज इन सैम्पल साइज होगा इनकेसल्स एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में When there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase. As higher the expected rate of deviation, larger the sample size needs to be so that the auditor is in a

राइट right, यहां पर भी ऐसा ही होगा कि रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन जितना ज्यादा होगा सैंपल साइज उतनी ही ज्यादा होगी फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इंक्लूड द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस बेसिस पर ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ डेविएशन है वो डिसाइड होती है कि बिजनेस हमने जो समझा है उसमें कितना रिस्क है उसका नेचर किस तरह से इन पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सेकन टू अपटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल हमने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की इंटरनल कंट्रोल को समझा उसके बेसिस पर यह रेट ऑफ डेविएशन कितने हो है? सकते हैं वो हम मानेंगे वो डिसाइड करेंगे चेंजेस इन पर्सनल और इन इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल्स चेंज चेंज पर्सन में हुआ है, तो हो सकता है कि कंट्रोल में डेविएशन बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है।, है उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर की थी हमने राइट right? या फिर इस साल जो हम अदर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें से क्या हमें मिल रहा है उसके बेसिस पर रेट ऑफ डेविएशन है वो एक्सपेक्ट की जाएगी वो जितनी ज्यादा होगी भी उतनी बढ़ जाएगी

अगर आपको मिस स्टेटमेंट ज्यादा मिलने के चांसेस लग रहे हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपके सैंपल से बढ़ वो है जो हमने अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में पढ़ा वही चीज है आप एक बार पढ़ सकते हैं उसमें कुछ भी चीज अलग नहीं दी गई है राइट चलिए फिर फोर्थ पॉइंट जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में दिया है जो फोर्थ फैक्टर है वो समझते हैं आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं मैं सारे ही कमेंट्स में आपको रिप्लाई दूंगा

जितना होना चाहिए राइट right? टॉलरेबल ये हम टॉलरेट कर सकते हैं बट हमारा जो डिजायर लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है तो वो डिजायर लेवल ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा सैंपल साइज बढ़ेगी जैसे कि अगर आप 40 मार्क्स मिनिमम है कि सी में पास होने के लिए ईच सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए बट आपकी एक्सपेक्टेशन ही सिक्सटी मार्क्स है की है तो ऑब्वियसली आपकी जो मेहनत है वो फोर्टी मार्क्स से बढ़कर सिक्सटी मार्क्स के लिए होनी चाहिए वो तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कर रहे उनसे ज्यादा ही होनी

फिर जो लास्ट पॉइंट दिया है टेस्ट ऑफ़ 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 कंट्रोल्स में, इन केस लार्ज साइज़ द लिटल इफ एनी इफेक्ट ऑन द सैंपल साइज पॉपुलेशन लार्ज है तो उसकी इफेक्ट सैंपल साइज पर नहीं आएगी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सैंपल साइज में For small population, however, audit sampling may not be as efficient as alternative means of obtaining sufficient appropriate audit evidence. जहाँ पर sample size बहुत कम है, वहाँ पर sampling के अलावा कुछ होना चाहिए. Analytical procedure कर सकते हैं, hundred percentage verification कर सकते हैं. वो ज़्यादा advisable रहता है. Therefore, there will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population. Sampling units बढ़ेंगे, उस वजह से sample size में फर्क नहीं पड़ता. Generally, value की effect आती है, number of transactions की नहीं. एस आई पॉइंट टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी दिया है लास्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट जो है पेज नंबर फोर पॉइंट फिफ्टी नाइन पर लास्ट में दिया है देर विल बी नेग्लिजिएबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज ड्यू टू नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फॉर लार्ज पॉपुलेशन द एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज लिटल इफ एनी इफेक्ट ऑन द सैंपल साइज दस फॉर स्मॉल पॉपुलेशन और डिट सैंपलिंग इज ऑफन एज ऑफन नॉट एज एफिशियंट एज अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ऑप्टेनिंग

डेटा इंफॉर्मेशन के लिए तो आपको जो ये ऑडिट प्रोसीजर जिसमें आपको सैंपलिंग करना है उसमें आपकी सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगी सिमिलर इंफॉर्मेशन में आप दो तीन अलग-अलग ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो उसमें जो दूसरी सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कर ली है तो ये जिसमें हमें सैंपल साइज चाहिए उसमें सैंपल साइज कम हो जाएगी राइट right? समझ में आ रहा है ना हेंस इफ देयर इज एन एंड इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ अदर सब्सटेंट प्रोसीजर डिरेक्टेड एट द सेम सेमसन द साइज ऑफ सैम्पल साइज फिल डिक्रीज एक ही एक ही इन्फॉर्मेशन uh, में एक ही के लिए अगर हम दूसरी प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर के लिए सैम्पल साइज डिक्रीज हो जाएगी

टोटल सैंपल्स फ्रॉम इच सब पॉपुलेशन राइट उसका टोटल करेंगे तो वो कम हो जाएगा क्योंकि तो इसमें सिमिलर वाले एक साथ, साथ में डाल दिए हैं तो वहां पर वेरिएबिलिटी के चांसेस कम होंगे तो कम सैंपल साइज में भी हमें पूरी ही पॉपुलेशन के लिए ज्यादा आइडिया ज्यादा अच्छा कंक्लूजन मिल पाएगा व्हेन अ पॉपुलेशन कैन बी एप्रोप्रिएटली द एग्रीगेट ऑफ द सैंपल साइजेस From from the 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 strata generally will be less than sample sample size that would have been been required to attain a given level of sampling risk had one sample been drawn from the whole population. उसमें तीन या चार ऑलरेडी पूछे हुए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है फिर है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग ऑडिटोर शेल सिलेक्ट आइटम्स For the sample, in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection. We already have read With statistical sampling, sample items are selected in a view, sorry, in a way that each sampling unit has a known probability of being selected. With non-statistical sampling, judgment is used to select sample items. Because the purpose of sampling is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected, it is important that the auditor selects a representative sample so that

को सिलेक्ट होने का चांस मिलेगा ईच आइटम इन सिलेक्टेड बाई ऑफ रेंडम नंबर है कंप्यूटर है वो इजिल रेंडम नंबर एक्सेल में भी रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें आप एक रेंडम के फॉर्मुला एड करते हैं तो वो जो रेंज आप डिफाइन करते हैं उसमें से रेंडमली कोई भी नंबर वो सिलेक्ट कर लेते हैं Today, random numbers are also generated using various applications on the cell phones like a random number generator. This method is considered appropriate provided the population to be sampled, cons, sampled consists of a reasonably similar units and fall within a reasonable range. That is, it is suitable for the homogeneous population having similar range. Par homogeneous, similar range. Wale,

कि 50000 तक के बैलेंसेस हैं तो वो होमोजेनियस नहीं है उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और वहां पर अगर हम रैंडम नंबर सिलेक्शन का यूज करेंगे तो हो सकता है कि जो बहुत छोटी-छोटी अमाउंट के वही बैलेंसेस वो सिलेक्ट करेगा तो वहां पर वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन करना चाहिए और फिर रैंडम नंबर सिलेक्शन का रैंडम सैंपलिंग का यूज करना चाहिए जो हमें नीचे दिया गया है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन फ्यू स्ट्रेट

जहां पर लार्ज वैल्यू है तो वो शायद हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें से ज्यादा करेंगे, राइट right? उसी तरह से कम होता जाएगा डिफरेंट पर्सेंटेज ऑफ आइटम्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम द टॉप ग्रुप दैट इज बैलें सेकंड ग्रुप ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ आइटम्स फ्रॉम थर्ड ग्रुप टेन ऑफ आइटम्स एंड फ्रॉम द लोस्ट ग्रुप टू परसेंटेज ऑफ द आइटम्स में बी सिलेक्टेड तो यहाँ पर अलग अलग मतलब यहाँ पर 25 फॉर एग्जांपल 25 परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट किया यहाँ पर 100 परसेंटेज सिलेक्ट किया यहाँ पर 10 परसेंटेज किया यहाँ पर कुछ 2 परसेंटेज किया इसको शायद हम इग्नोर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर दो पांच ट्रांजेक्शन हम अलग से देख ले तो इस तरह से भी हो सकता है रैंडम सैंपल इज चूजन फ्रॉम ईच स्टेडम यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स बट यहाँ पर जो ये पर या, या वो ट्रूली सिलेक्ट किए जाएंगे, राइट उसमें नंबर टेबल्स का यूज किया किया जाएगा जाएगा। और इसके बीच के कोई भी जो बैलेंस है उसे रीजनिंग बिहाइंडिफाइड सैंपलिंगलीफाइड पॉपुलेशन वेट शुड बी एलोकेटेड टू रिफ्लेक्ट दिस डिफरेंस this is achieved by selecting different proportions from each strata it can be seen that the stratified sampling is simply an extension of simple random sampling jahan par highly diversified population hai wahan par stratified sampling zyada advisable rehta hai राइट right? ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है उसका सिर्फ एक्सटेंशन है उसको सब पॉपुलेशन में डिवाइड करो और फिर रैंडम सैंपलिंग करें

तो 50th ट्रांजेक्शन देखा जाएगा बट वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने 14 नंबर से 14th ट्रांजेक्शन से देखना है तो पहले 14 देखेंगे उसके बाद उसका 50 ट्रांजैक्शंस के बाद मतलब कि 64th ट्रांजेक्शन देखेंगे तो वो 50 का इंटरवल है मतलब 14 देखेंगे 64 देखेंगे 114 देखेंगे 164 देखेंगे राइट

Corresponds with a particular pattern in the population.

मैटिक या फिर इंटरवल अप्रोच है वो यूज कर सकता है फॉर एग्जांपल इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ ब्रांच सेल्स पर्टिकुलर ब्रांच सेल्स अकर ओनली एज़ एवरी 100थ आइटम एंड द सैंपलिंग इंटरवल सिलेक्टेड इज 100 द रिजल्ट वुड बी दैट ईदर द ऑडिटर वुड हैव सिलेक्टेड ऑल और नन ऑफ द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि हंड्रेड जो ट्रांजेक्शन है वो पर्टिकुलर ब्रांच का ही ट्रांजेक्शन होता है मतलब हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हंड्रेड ही है मतलब हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ही हम देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही ब्रांच का हम ट्रांजेक्शन चेक कर पाएंगे और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है राइट फॉर एग्जांपल हमने थर्ड ट्रांजैक्शन देखा फिर हम 103 देखेंगे फिर 203 देखेंगे तो वो पर्टिकुलर ब्रांच का कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे हाथ में नहीं आएगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर इंटरनल अप्रोच इफ अकाउंटेंट ए इज रिस्पांसिबल टू रिकॉर्ड ओल्ड ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड अकाउंटेंट बी फॉर नेक्स्ट मंथ if this structure is the same throughout the year and the auditor determines as his sample to check every transaction of alternate months then only one accountant's work is checked by the auditor that is either accountant A or B depending upon which month is that checking started from the work of other is overlooked and there could be possibility of material misstatement in the transactions recorded by him अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से पॉलिसी है कि अकाउंटेंट ए है वो एक मंथ के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंट बी है वो दूसरे मंथ के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और अल्टरनेटिव मंथ पे आता है ए बी ए बी ए बी उस तरह से होता है और अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो पहला मंथ है वो हमने ए वाला जो था ए ने जिस मंथ में रिकॉर्ड किया था राइट वो हमने देखा है फॉर एग्जांपल अप्रैल देखा अप्रैल के बाद हम जून देख रहे हैं फिर हम अगस्त देख रहे हैं उस तरह से और जो अप्रैल जून अगस्त उस तरह से सारे ही ट्रांजेक्शन है वो Accountant A ने अगर रिकॉर्ड की है तो क्या होगा कि ए के सारे ही मंथ हम देखेंगे अकाउंटेंट बी का कोई भी ट्रांसेक्शन हम नहीं देख पाएंगे उसने अगर कुछ भी गलत किया मिस statement है उसके ट्रांसेक्शन में तो वो हमें पता नहीं चल पाएगा तो ये ट्रूली रैंडम नहीं होगा ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव टू पॉपुलेशन नहीं होगा राइट right?

hazard sampling hazard selection in which the auditor selects the sample without following a structured technique although no structured technique is used the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictability for example avoiding difficult to locate items or always choosing or avoiding the first or last entries on a page and thus attempt to ensure that all items in the population have a, choose, have a chance of selection इस वेन यूजिंग कि जो इच्छा हो रही है वो चैप्टर मतलब आप जैसे पढ़ते हैं ना कि जो मन में वो चैप्टर पढ़ने लगे तो वो जनरली रिस्की माना जाता है वो जनरली एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ हम छोड़ ही रहे कुछ चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हम पढ़ते ही रहे मतलब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ऑडिट में भी कुछ ट्रांजेक्शन चेक ही ना करें तो वो रिस्क भी रहेगा थोड़ी सी प्रडिक्टेबिलिटी प्रॉब्लम आएगी

टेक्टफुली वर्क करें और ऐसी कुछ uh, भी अगर है तो वो ऑडिटर के फॉर एग्जाम्पल टेक द फर्स्ट टू हंड्रेड से मंथ ऑफ सप्टेम्बर अल्टरनेटिवली is selected, the rest of the block follows item द to the completion.

तो हम यहाँ पर पांच मेथड्स समझिए सैम्पलिंग की रैंडम सैम्पलिंग जो सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्टडीफिकेशन हो सकता है सेकंड थी वो इंटरवल या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग राइट उसमें एक इंटरवल के बाद वो ट्रांजैक्शन चेक किए जाएंगे थर्ड मॉनेटरी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे मॉनिटरी यूनिट

जो भी आइटम सेलेक्ट किए उसमें से जो उसमें जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स है वो हमें परफॉर्म करनी रहेगी इफ द ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड आइटम तो ऑडिटर ऑडिटोशल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम जहां पर भी उस आइटम में अगर वो जो प्रोसीजर हमने सिलेक्ट किया है वो अगर हम पॉसिबल नहीं है कि वो परफॉर्म कर पाए तो हम दूसरे रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर वो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है ये फोर्थ पॉइंट उसी का एग्जाम्पल है आप यहाँ पर फोर्थ पॉइंट का रेफरेंस भी दे सकते हैं An example of when it is necessary to perform the procedure on a replacement item is when a cancelled check is selected while testing for evidence of a payment authorization. If the auditor is satisfied that the check has been properly cancelled such that it does not constitute a deviation, an appropriately chosen replacement is examined.

another example for replacement of a, a sample could be if all transactions of a computerized cells are being checked for example cells recorded through a barcode scanner and incidentally a sample of manual billing gets selected then such item can be replaced after adequately checking the correctness of the manual bill with supporting documents available if replacement is not possible or, reasonab or reasonable alternative audit procedure can be applied अगर हम कंप्यूटराइज सेल्स ही चेक कर रहे थे उसमें अगर गलती से कोई मैनुअल बिल आ जाता है तो वो मैनुअल बिल की करेक्टनेस देखकर हम उसको रिप्लेस कर देंगे विथ कंप्यूटराइज्ड बिल ताकि हमारा जो कंप्यूटराइज बिल का चेक करने का जो पर्पज है वो सोल्व होगा राइट फिर थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं इफ तो यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट जो था राइट सेवंथ पॉइंट था उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं वो ये सेकंड पॉइंट के ही एग्जांपल है राइट फिर थर्ड पॉइंट दिया है इफ इज ऑडिबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर और सुटेबल टू अटेड आइटम शल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो आइटम ऐसे है कि जहां पर हमारी डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर है वो पॉसिबल नहीं है ना ही अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं तो उसे डेविएशन या फिर मिस स्टेटमेंट माना जाएगा

जिस आइटम को हमने सैंपल्स में सेलेक्ट किया है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है वो खो गया है या फिर कुछ भी हो गया है उसके साथ वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है तो वहां पर वो ऐसा मिस स्टेटमेंट ही माना जाएगा कि उसके पास सपोर्टिंग एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है इफ़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ सेल्स इज लॉस्ट लाइक सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड सेल्स इन डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्पैच एटसेट्रा देन कन्फर्मेशन कैन सॉट फ्रॉम द डेटर्स एज पर एस ए फाइव जीरो फाइव

सिंपल तो ये जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट है उसका रेफरेंस आप यहां पर दे सकते हैं ये इसके एग्जांपल है सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट क्लियर नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट्स इन एनालाइजिंग द डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ऑडिटोर मे ऑब्जर्व दैट मे हैव अ कॉमन फीचर फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लोकेशन प्रोडक्ट लाइन और अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमें डेविएशन मिले हैं या फिर मिस स्टेटमेंट मिले हैं तो उसमें हमें देखना है कि उसका नेचर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉमन फीचर से क्या क्योंकि कॉमन फीचर होंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं उस ट्रांजेक्शन में उस लोकेशन में वहाँ उस प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है राइट तो हमें ज्यादा प्रोसीजर शायद करनी पड़ेगी ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन दट प्रसमन फीचर एंड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर टू दोन एडिशन सच डेविएशन और मिस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जहां पर भी कॉमन फीचर है तो

नेचर तो भी भी right? कितना है? क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे और उसकी इम्पैक्ट दूसरे ऑडिट एरियाज़ पर पड़ती पढ़, है या नहीं वो भी हमें देखना होगा in the rare when the a or in a sample to be an anomaly, से हुआ है राइट तो वो एनोमली ही है ना, मतलब कि वो रिप्रेजेंटेटिव टू दॉपुलशन नहीं है ना वो हमें देखना होगा एनोमली आपको नीचे समझाया है वो पहले देख लेते हैं आपको जो बॉक्स में दिया है

अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे कि ये जो मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है ये पूरे ही पॉपुलेशन में नहीं है ना दूसरे जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें वो है या नहीं वो हमें देखना होगा तो ये पांच पॉइंट्स दिया है कि नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट्स देखने हैं सबसे पहले तो जो भी कॉमन फीचर्स है वो डेविएशन या मिसस्टेटमेंट्स के वो हम देखेंगे फिर हम वो देखेंगे कि ये जो कॉमन फीचर्स है उसके लिए हम प्रोसीजर्स करेंगे ताकि पता चले कि ये पूरी पॉपुलेशन में है या नहीं शायद वहां पर फ्रॉड के चांसेस भी हो सकते हैं थर्ड चीज़ हमें जो ये नेचर या फिर कोज हमें ढूंढना है कि किस वजह से ये मिस्टेटमेंट या फिर डेविएशन है उसकी इंपैक्ट दूसरे एरियाज ऑफ द ऑडिट में क्या आएगी फोर्थ कोई एनोमली नहीं है ना ये जो भी डेवियशन uh, या मिस्टेटमेंट है वो एनोमली नहीं है ना एनोमली होगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो रेयर सरकमस्टांसिस की वजह से होगा और वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं होगा एंड द लास्ट उसके लिए हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी करेंगे ताकि पता चले कि ये रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन में इसकी इफेक्ट कितनी आएगी projecting hmm. misstatements, the auditor is required to project misstatements for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement. But this projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. हमें uh, projection करना होगा क्योंकि हमने sample के basis पर जो हम conclusion पर आए उसकी impact पूरे population में कितनी होगी वो हम project करेंगे. But वो exact amount हमें पता नहीं चल पाएगी. When a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded when projecting misstatements to the population. However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of known anomalous misstatements. Anomaly जो होगा उसे हम uh, projection में use नहीं करेंगे, right? क्योंकि anomaly है वो specific circumstances, specific item में ही है। उसकी impact पूरे ही financial statement, पूरे ही है, है, पूरे पूरे पर नहीं है। तो उसको प्रोजेक्शन में हमें कंसिडर नहीं करना है एक्सक्लूड करना है बट हम वो जो प्रोजेक्शन किया है non -anol, non -anol, uh, statements का, उसमें उसे एड करेंगे आफ्टर प्रोजेक्टिंग फॉर द होल पॉपुलेशन उसको हम add करेंगे ताकि ओवरऑल मिसट्रीटमेंट्स uh, कितने हैं वो हमें पता चल पाए प्रोजेक्शन में ऐड नहीं करेंगे बट वो प्रोजेक्शन हो जाने के बाद जितने भी नॉन एनुअल मिसट्रीटमेंट्स है वो उसका जो प्रोजेक्शन किया है वो प्रोजेक्शन हो जाने के बाद उसको हम ऐड करेंगे ताकि टोटल मिसट्रीटमेंट्स कितने हैं वो हमें पता चल पाए For for test test of of details, the 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 auditor shall project misstatements found in the samples to the population, whereas for test of controls, no explicit projection of deviation is necessary, since the sample deviation rate प्रोजेक्टेड डेविये पॉपुलेशन एज टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ये प्रोजेक्शन करेंगे में जो ये है, का वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो डेविएशन है वो रेट है और वो प्रोजेक्टेड रेट ही है yeah. ऑलरेडी right? में में yeah. एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है फिर से पूछ सकते हैं

है कि इससेमेंट नहीं होना चाहिए वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते राइट तो उसी हम अश्योरेंस लेते हैं कि इससे ज्यादा मिस्टेटमेंट नहीं है ना तो वो जो स्टेटमेंट वो जो मिसेटमेंट की रेंज है वहां तक के मिस्टेटमेंट है उसे टोलरेबल मिस्टेटमेंट कहा जाएगा

नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी वन जिसमें जो अब तक पढ़ा है वो सब कुछ उसमें आपका टेस्ट हो सकेगा राइट होप यू आर क्लियर विद दिस होल एस एफ हाई आपको मजा भी आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउटन एंड रिव्यूज थैंक यू सो मच